गाइस आप लोगों ने इंस्टाग्राम में कुछ इस टाइप की रील जरूर देखी होगी जो कि इस टाइम पे बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। एंड गाइस आप लोग इन रील्स पे यहाँ पे व्यूज भी देख सकते हो कितनी ज्यादा व्यूज यहाँ पे आई हैं। तो गाइस अगर आप लोग भी इस तरह की रील को बनाना चाहते हो तो गाइस आप लोग सिंपली क्या करना है, आप लोग को मेरे इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है एंड आप लोग कहीं वीडियो को मिस नहीं करना है। आप लोग को पता ही लगेगा कि इस तरह की रील को कैसे एडिट किया जाता है। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस आप लोग सबसे पहले क्या करना है, आप लोग को जाना पिंटरेस्ट ऐप पे एंड वहां पे आप लोग सर्च करना है लैम्बोर्गिनी, आप लोग के वाली कार यहाँ पे सर्च कर लेना है। एंड गाइस अगर आप लोग के वाली कार नहीं चाहिए तो आप लोग कोई दूसरी भी कार यहाँ पे सर्च कर सकते हो। उसके बाद आप लोग क्या करना है, आप लोग यहाँ पे जो भी कार पसंद हो आप लोग सिंपली क्या करना है, आप लोग उस वाली कार को यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। एंड गाइस जब आप लोग की कार यहाँ पे डाउनलोड हो जाए आप लोग सिंपली क्या करना है, बैग जाना है एंड आप लोग को जाना है गूगल पे। यहाँ पे गाइस आप लोग को बीजी रिमूव सर्च करना है, गाइस आप लोग यहाँ पे सर्च कर देना है। एंड जैसे ही गाइस आप लोग यहाँ पे ये लिख के सर्च करोगे आप लोग यहाँ फर्स्ट वाली वेबसाइट पे लेगी, सिंपली आप लोग इसको ओपन करना है। एंड यहाँ पे गाइस आप लोग को दो काम करने हैं, आप लोग यहाँ पे अपनी गाड़ी की फोटो एंड यहाँ पे आप लोग को अपनी खुद की पर्सनल फोटो एक आप लोग यहाँ पे ऐड कर लेनी है। दोनों का बैकग्राउंड यहाँ पे रिमूव कर देना है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोड इमेज पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे गाइस आप लोग को सबसे पहले क्या करना है, आप लोग अपनी कार को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है एंड उसका बैकग्राउंड यहाँ पे रिमूव कर देना है। यहाँ पे मेरे पास कार की तीन फोटो है, मैं सिंपली क्या करूँगा इस वाली फोटो को यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। एंड इसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करेंगे, हमारे जो फोटो का बैकग्राउंड है यहाँ पे ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। एंड इसी तरह आप लोग अपनी पर्सनल फोटो का भी बैकग्राउंड यहाँ पे रिमूव कर लेना है। दोनों काम जब आप लोग यहाँ पे हो जाए उसके आगे मैं आप लोग को बताता हूँ। चलिए यहाँ पे हम बैकग्राउंड रिमूव कर लेते हैं। यहाँ पे गाइस आप लोग देख सकते हो कि आप लोग को जो फोटो का बैकग्राउंड है यहाँ पे रिमूव हो चुका है। एंड इसके बाद आप लोग सिंपली क्या करना है, आप लोग को डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एंड अपनी फोटो यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। हमारा जो यहाँ पे जी बन चुका है उसको हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद आप लोग सिंपली क्या करना है, आप लोग यहाँ से बैक चले जाना है एंड अपने पिक्सआर्ट ऐप को यहाँ पे ओपन कर लेना है। चलिए अपने पिक्सआर्ट ऐप को यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं। गाइस जैसे ही आप लोग का पिक्सआर्ट ऐप यहाँ पे ओपन हो जाए आप लोग सिंपली क्या करना है, आप लोग यहाँ प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप लोग को बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आप लोग यहाँ पे ये वाला बैकग्राउंड यहाँ पे ले लेना है बैक वाला। जो आप लोग को बैकग्राउंड यहाँ पे आ जाए आप लोग सिंपली क्या करना है, आप लोग यहाँ पे ऐड फोटो पे क्लिक करना है। आप लोग यहाँ पे आगे ऑप्शन मिलेगा पे क्लिक करेंगे एंड अभी आप लोगों ने गाइस जो कार की पीएनजी यहाँ पे बनाई है आप लोग सिंपली उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पे ऐड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोग को इसको थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर लेना है एंड बड़ा कर लेना है यहाँ पे। एंड आप लोग को क्या करना है, आप लोग यहाँ पे क्लिक कर देना है एंड इसके बाद आप लोग फिर से ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे गाइस जो भी आप लोगों ने अपनी पर्सनल फोटो का बैक यहाँ पे पीएनजी बनाया आप लोग सिंपली क्या करना है, आप लोग अपनी पर्सनल फोटो का सेलेक्ट कर लेना है एंड इसको आप लोग को अच्छे से यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। चलिए यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेंगे एंड इसके बाद हम यहाँ पे इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। आप लोग अपनी फोटो यहाँ पे ले लेना है इस टाइप की, तो आप लोग अपनी फोटो यहाँ पे ले लीजिएगा, मैं इसको अच्छे से यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। इसके बाद गाइस क्या आप करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे रेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हम इसको कर देंगे इन्वर्ट। एंड इसके बाद आप लोग को यहाँ पे रिस्टोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, इसको जूम करके आप लोग को एकदम गाड़ी के अंदर अंदर आप लोग को इसको रिस्टोर कर लेना है। अच्छे से आप लोग इसको यहाँ पे करिएगा, ये एकदम मेन है यहाँ पे एंड जो फालतू का पार्ट हो आप लोग को उसको यहाँ पे हटा देना है। गाइस जो हमारा काम है इतना यहाँ पे हो चुका है, इसको आप लोग क्या करना है, आप लोग यहाँ पे इसकी ऑपेसिटी एकदम कम कर देनी है एंड इसको थोड़ा सा इसके अंदर हम यहाँ पे सॉरी। इसके बाद गाइस यहाँ पे हम राइट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड इसकी ऑपेसिटी यहाँ पे हम थोड़ी सी कम कर देंगे। तो हो जाने के बाद गाइस लोग क्या करना है, आप लोग यहाँ पे राइट वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है एंड इसको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद गाइस लोग यहाँ से बैक चले जाना है पूरा। यहाँ आप लोग को अपने VN ऐप को ओपन कर लेना है, आप लोग यहाँ पे अपने कैपकट ऐप को भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद गाइस लोग यहाँ पे प्लस वाला आइकन दिखेगा, सिंपली आप लोग को इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप लोग को न्यू क्रिएट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। एंड यहाँ पे गाइस आप लोग को नॉर्मल से अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेनी है, आप लोग को रोड की एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेनी है। चलिए इसको यहाँ पे मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करके रखी है, उसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद गाइस यहाँ पे हम लाइव जाएंगे एंड जो हमारे VN ऐप का वाटरमार्क है इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे डिलीट कर देंगे। इसके बाद गाइस जो हमारे वीडियो की वैल्यू है इसको पूरी यहाँ पे हम कम कर देंगे। इसके बाद गाइस क्या करेंगे, यहाँ पे हम फालतू का पार्ट यहाँ पे हम डिलीट कर देंगे एंड यहाँ पे हम मेन वाला पार्ट यहाँ पे रखेंगे एंड इसको ले जाके एकदम लास्ट में भी हम थोड़ा सा कट कर देंगे। वो इतना पार्ट यहाँ पे हम कर देते हैं जहाँ पे टर्निंग है तक तो वाला पार्ट यहाँ पे हम कर देते हैं, तो यहाँ तक हम कट कर देंगे एंड इसको डिलीट कर देंगे। इसके बाद गाइस क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा ऐसे जूम कर देंगे तो ये बढ़ जाएगा यहाँ पे। प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, वीडियो फोटो पे क्लिक करेंगे, सिंपली क्या करेंगे हम यहाँ पे अपनी इस वाली PNG को यहाँ पे ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे दो PNG बना के रखे, मैं सिंपली इस वाली PNG को यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ।
इसके बाद आप लोग क्या करना है, आप लोग को इसकी साइज यहाँ पे बढ़ा देनी है एंड लोगों को थोड़ा सा इसको पीछे कर देना है ऐसे, या पीछे हम यहाँ पे रख लेंगे। इसके बाद गाइस आप लोग क्या करना है, इसको आप लोग को पूरे वीडियो के बराबर रख देना है यहाँ पे लोगों को बढ़ा के। इसके बाद गाइस आप लोग को क्या करना है, आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पे आगे जाना है, आप लोग को यहाँ पे देखना है थोड़ा थोड़ा यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पे हम लगाएंगे की फ्रेम एंड इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे हम, इसके बाद थोड़ा सा हम यहाँ पे आगे कर देंगे एंड आगे ले जाने के बाद आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा इतने में कर देना है, इतने यहाँ पे ले जाके आप लोग को जूम कर देना है। यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं तो इतना यहाँ पे हो चुका है। इसके बाद गाइस क्या करेंगे हम यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाएंगे एंड इसके बाद थोड़ा सा हम इसको पीछे कर देंगे, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा जूम आउट करके एंड इसको अच्छे से यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, इसी तरह आप लोग को भी यहाँ पे करना है। लोग गाइस क्या करना है, आप लोग को एक लास्ट में भी यहाँ पे की फ्रेम लगा के एंड इसको आप लोग को फिर से थोड़ा सा आगे कर लेना है इतना, एंड आप लोग को इसको अच्छे से यहाँ पे एडजस्ट जरूर कर लेना है। आप लोग इतना ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आप लोग को इसको अच्छे से एडजस्ट जरूर करना है एंड लास्ट पे जाएंगे एक हम लास्ट पे की फ्रेम लगा के एंड इसको एकदम थोड़ा सा पीछे कर देंगे इतना। पे गाइस यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। अब हमारी गाइस जो वीडियो है यहाँ पे बनकर रेडी हो चुकी है, मैं आप लोग को फुल वीडियो यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे गाइस चलो देख सकते हो कि हमारी जो वीडियो है बनकर रेडी हो चुकी है, इसमें आप लोग गाइस जो भी सॉन्ग लगाना हो आप लोग सिंपली प्लस वाले आइकन पे क्लिक करोगे तो म्यूजिक का ऑप्शन आएगा। इसमें आप लोग गाइस जो भी गैलरी पे आप लोग को सॉन्ग डाउनलोड होगा लोग वो सॉन्ग यहाँ पे लगा सकते हो एंड अगर आप लोग किसी वीडियो पे सॉन्ग निकाल के लगाना है आप लोग किसी भी फोल्डर पे यहाँ पे क्लिक करोगे, कोड म्यूजिक पे क्लिक करोगे, वीडियो पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे आप लोग को जो भी वीडियो पसंद हो आप लोग उस वाले वीडियो को यहाँ पे क्लिक करना है जिसका सॉन्ग आप लोग को पसंद हो एंड यहाँ पे आप लोग सिंपली क्या करना है, सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। गाइस यहाँ पे आप लोग को जो सॉन्ग है यहाँ पे आ चुका है यूज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एंड यहाँ पे राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपने सॉन्ग को यहाँ पे यूज कर सकते हो। गाइस क्या करेंगे, थोड़ा सा हम जो हमारी जो वीडियो है उसका यहाँ पे कलर ग्रेडिंग कर देंगे। फिल्टर वाले ऑप्शन पे जाएंगे, एडजस्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे एंड यहाँ पे आगे साइड स्क्रॉल कर लेंगे एंड यहाँ पे आपको एचएसएल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है एंड येलो वाले को आप लोग को पूरा यहाँ पे थोड़ा कम कर देना है। ग्रीन वाले पे जाना है, उसको यहाँ पे कम कर देना है एंड आप लोग को यहाँ पे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है जितना आप लोग को यहाँ पे करना हो। यहाँ पे मच अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं, आप लोग देख लीजिए इस तरह आप लोग को एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद गाइस क्या करेंगे, राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब गाइस हमारी जो वीडियो है बनकर रेडी चुकी है, आप लोग सिंपली क्या करना है, येलो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, शॉर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी वीडियो को यहाँ पे सेव कर लेना है। एंड गाइस अगर आप लोग को फिर भी इस तरह की वीडियो बनाने में कोई प्रॉब्लम आती हो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स बता सकते हो एंड गाइस डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक है, आप लोग उसमें जाकर फॉलो मैसेज कर सकते हो। गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा।